रिटर्न्स को लेकर ग्राहकों में हुई मारपीट, बाउंसर ने बाहर निकला तो डीजे को मार दी गोली, मौके पर ही मौत। आगे मोरी भैया, बहुत जल्दी चले आए। अरे भैया वो रोहन का बर्थडे पार्टी था। अच्छा बर्थडे पार्टी, कहाँ गए थे बर्थडे पार्टी में? यहीं पे बगल में गए थे भैया। बगल में उसका रूम गए थे? पहले उसका रूम ही गए थे, फिर सोंटी नहीं पूरा जिद करने लगा कि तुरंत फिर बाहर घूम के आते हैं। अच्छा फिर हम लोग बाहर यहीं पे गए थे। तो रात भर तुम कहाँ थे? 12 बजे के पहले तक तो भैया रोहन के घर पे थे, फिर सोंटी जिद करने लगा कि उसके पास कुछ पास है, वो ग्रिल बार नहीं उसका, फिर हम लोग वहाँ पे गए थे। हमने कहा ये क्या पड़ा करे, मौके पर ही मौत हो गई, डीजे को मार दी बोले। तुम वहां पर थे? अरे हाँ आपको बताना भूल गए, कल रात को हम लोग निकलने वाले थे लेकिन फिर क्या हुआ, हम मेरे सामने पड़ गया, मतलब हम लोग अंदर ही थे। तो तुम आए क्यों नहीं? तो तुम कहाँ जा रहे? उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे फिर रोहन के घर। तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? हमको लगा डांटिएगा कि क्यों गया था। अरे तो इतना बड़ा घटना हुआ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? भाई इतने बड़े हैं कि हमको नहीं होगा, हम लोग कोने में थे। इतने बड़े हो, इतने बड़े हो, कितने बड़े हो, दुर्घटना कब किसके साथ हो जाएगा तुमको पता भी है? अरे हम तुम कितना बार बोले कि तुम बाहर घूमने जाओ फिरो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शाम को तुम आ जाओ घर। अरे दोस्त लोग शाम को निकलते, हम शाम को घर आ जाए, तीन बार घर पे पढ़ते बोल ही लेते हैं आप। तो बर्थडे था तो बर्थडे में तुम गए, हमको बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो? अगर बताते आप जाने देते? मना किए हैं, अभी कैसे मना कर रहे हैं? अरे तो बता के जाया करो ना, बोल दिया करो ना कि भैया इतना बजे होगा हम आ जाएंगे। अरे भैया इस तरह हमेशा कहीं ना कहीं होते रहता है, अब क्या कीजिएगा, हमारा तो हमारे अंदर है। खैर देखो छोटू, तुमको हमेशा समझाते आए, ना ही माँ है ना ही बाप, कोई नहीं, तुम मेरा इकलौता भाई हो, अगर तुमको कुछ अगर हो जाता तो माँ और बाप क्या जवाब देते बताओ? भैया आप इतना केयर कीजिएगा, हम और कमजोर हो जाएंगे, दुनिया से आप लड़े ना तब स्ट्रांग बने ना, हम भी देखेंगे तब स्ट्रांग बनेंगे। भैया तुम कमजोर हो जाओगे, तुम मेरे रोक टोक करने से, मेरे तुमको संभालने से तुम कमजोर हो जाओगे। ए, आपका वही ना दंगी है, फिर रोना धोना क्या बोले हम, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर हम क्या चाहते हाँ तुमको कुछ रोके टोके नहीं, हम कहा बोले भैया ऐसा क्या, आपसे तुम जो मन मर्जी हो करो, आपसे तो हमको छोड़ दो ठीक है? अरे आप गजब कर रहे, नहीं ऐसा कोई बात है, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? देखो छोड़ो, जब माँ गई थी ना दुनिया छोड़कर तो बोले थी कि बेटा एक भाई है तुम्हारा, चाहे कुछ भी हो जाए उसका देखभाल हमेशा से करना, और हम चाहते हैं कि तुम सही सलामत रहो। भैया हम सही सलामत है, आप अपना ख्याल रखिए ना, हम मैनेज कर लेंगे बाहर की दुनिया। आपको आज तक ये कंप्लेन मिला है? पेपर की गलती नहीं, सब न्यूज आपको ना और डरा रहा है, अब आप कल को वहां नहीं जाने दीजिएगा, हम मेरा कॉलेज है बाहर दिल्ली में, हम कैसे जाएंगे? डरा नहीं रहा है, बता रहे, वो इतला दे रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, अगर कल को अगर गोली उसमें लगने के बजाय अगर तुम में लग जाता तो? भैया उस तरह तुम घर पे भी रहेंगे, कोई बम गिरा देगा तो घर हो जाएगा ना, कितना सोचिएगा, जिंदगी को गारंटी है भैया। नहीं है इसका मतलब क्या कि हम तुम कैसे ही छोड़ दे? हाँ तो मेरा छोटा भाई है, हाँ अपना छोटा भाई है मेरा, अगर तुमको अगर कुछ हो जाता तो तुम मेरा क्या होता? हम किसको भाई बोलते, हम जिसके लिए जीते जिसके लिए कमाते सब हम तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, तुमको पढ़ा लिखा रहे हैं, तुम जो भी बोल रहा तुम्हारे लिए हम बाइक ला के दिए, जो तुमने कहा हम सब कुछ ला के दिए। भैया हम खुद चाहते हैं हम बड़ा हों, कमाए और आपको सब कुछ दे, लेकिन आपको थोड़ा फ्रीडम देना होगा, हमको आपको समझना पड़ेगा, आप कैसे बताए आज तुम वही करो जो तुमको मन करता है, और हम तुम्हारे लिए आज के बाद कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम वही करो ठीक है? अरे भैया अब हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, हम जा रहे हैं, लौट करते रहना। अब सुन लो, अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े ना तो हमको बोलना,
तुमको हम ना ही कुछ टोकने के लिए आएंगे, तुमको जो करना है मर्जी तुम वही करो। अरे अरे बाबूजी का एक ही ख्वाब था, माँ का ख्वाब था कि बेटा को सपना है, सपना पूरा। अरे हम तो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, तुम्हारा लेना कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं, हम शादी तक नहीं किए। देखो तुम ना कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, हमको कोई मतलब नहीं, हम रोक टोक नहीं करेंगे, लेकिन रात को घर आ जाएगा। अरे ठीक है भैया, आप टेंशन मत, हमको डर लगता है कहीं तुमको कुछ हो ना जाए। ठीक है, सॉरी कल आप नहीं बता पाए, आगे से अगर हम ऐसा कुछ हुआ तो हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करें। सॉरी कुछ अगर हो जाता तुमको तो सॉरी बता दिया करो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हमको पता तो चले। अच्छा अब आगे से ऐसा नहीं होगा, बैठिए आप नीचे मत रहिए। कहीं भी जाना अब से तुम हमको बता के जाना, ठीक है, और हम तुमको रोक टोक नहीं कर रहे, तुमको जो भी करना होगा तुम बस हमें एक बार कह देना, हम सब कुछ तुम्हारे लिए ला के रख देंगे। बस हम चाहते हैं कि तुम सही सलामत।